अभी से हम आपको रूम दिखाने वाले हैं, दो रूम का फ्लैट है। साथ ही इसमें क्या क्या है, रेंट कितना है, पूरे डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। जैसे मैं आप देख सकते हैं, यह एंट्री पॉइंट है। अब रूम में जैसे आप इंटर करते हैं तो राइट साइड में इंटर करते हैं, यहाँ पे एक मिनी सा किचन है। कुछ खास है, बड़ा किचन नहीं है, खास कर कर करके एक छोटी सी फैमिली या स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। आप देख सकते हैं यह किचन से, एंड इसमें और भी बेनिफिट्स हैं, हम आपको बताते हैं। उसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यह एक रूम है, यहाँ पर रूम ही है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ एक रूम है जो कि परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से आप इसे डाइनिंग हॉल या फिर एक सिंगल बेड आप आराम से लगा सकते हैं, और बाकी सब आने जाने के लिए। उसके बाद में यह इनसाइड है, इसके बाद में जो आप कह सकते हैं मेन रूम यह है। आप देख सकते हैं गेट, और यहाँ पर आ गया यह रूम, ठीक है। और इसमें जो है यह भी छोटा ही है, इसमें स्लैब बना हुआ है रैक, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रूम में यहाँ पे भी एक किचन का टाइप का, और यहाँ पे कुछ धोने होने के लिए यहाँ पे भी यह बना हुआ है। तो यह एक प्लस पॉइंट है आपके पास, कि अगर आप सिंगल भाई रहते हैं या फिर कुछ धोने होने के लिए आपको डायरेक्ट किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डबल किचन यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो है ना कि इसके बगल में आपका मतलब रोड है, रास्ता है, तो आने जाने के लिए खिड़की को आराम से कभी भी खोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी हम नहीं खोल रहे हैं, अभी खोल देते हैं। देखें यहाँ पे बाहर का कुछ इस तरह का लुक है। और यह जो है ना आपका रूम पड़ेगा पटना जंक्शन से चिड़िए डाल में, कर भी गई है, मैं पर्जा है ना, कर भी गई है मैं। आप इसे मारुति नगर का अपोजिट वाले गली में खा सकते हैं। और इसका जो रेंट है अभी 5000 रुपये रेंट है, ठीक है। अब प्लस बिजली बिल पूरे आप रूम देख सकते हैं, 5000 प्लस बिजली बिल इसका आपका आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आपको लेना होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, आप आकर करके इसके मैसेज मार सकते हैं, हम आपको पूरा सेल फोन नंबर दे देंगे जहाँ से आप आकर के इसे ले सकते हैं।